पिछली कक्षाओं में आपने सीखा है कि गति विभिन्न प्रकारों की होती है। उदाहरण के लिए, जिस स्थान पर एकाध वस्तु स्थान प्रत्यक्ष बदलता है उसे स्थानांतरणीय गति कहा जाता है। कुछ वस्तुएं अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती हैं, उसे हम घुमावदार गति अथवा परिवलन अर्थात रोटेशनल मोशन कहते हैं। और तीसरा प्रकार है जिसमें वस्तु एक ही मार्ग पर आगे पीछे होती है, उसे कांपनिक गति अथवा वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। स्थानांतरणीय गति में वस्तु का स्थान दो तरीकों से हो सकता है। वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय एक सीधी रेखा में जाती है, ऐसी गति को एक रेखीय गति कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय वो अगर रेखा से अलग मार्ग से अर्थात वक्र मार्ग से भ्रमण करती है तो उसे हम वक्राकार गति यानी कि कर्विलिनियर कहते हैं। आपने अगर देखा हो तो यहाँ गिलास को बांधे हुए धागे को मरोड़ दिया है, गिलास में पानी है, यही मरोड़ ढीली पड़ने पर गिलास खुद के अक्ष से इर्द गिर्द घूमने लगता है, तो गिलास के अंदर का पानी मध्य से दूर और ऊपरी दिशा में जाते दिखाई देता है तथा मध्य में एक गड्ढा तैयार होता है, इसे हम भंवरा अथवा वोर्टेक्स कहते हैं। फिर ये भंवरा कैसे बनता है? कोई भी चीज जब चक्रवत गति से घूमती है उस वक्त केंद्र से दूर हटना उसकी प्रवृत्ति है। उस पर जो बल कार्य करता है वो है अभिकेंद्रीय बल अथवा अपकेंद्री शक्ति अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बल से वस्तु दूर फेंक दी जाती है। यहां घूमने वाला पानी केंद्र से दूर जाने का प्रयास करता है पर वो कांच की परतों के कारण अड़ जाता है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठाया जाता है और पानी बीच से दूर जाने के कारण ये गड्ढा बनाया हुआ दिखाई देता है। किसी धागे के छोर पर पत्थर बांधा और वो पत्थर अगर सिर के चारों ओर धागे की सहायता से घुमाया तो ध्यान में आएगा कि हमारे हाथ पर जोर पड़ता है। जिस पल हाथ का जोर निकाल देते हैं उसी पल धागे पर का बल या जोर खत्म हो जाएगा और पत्थर दूर फेंक दिया जाएगा। जिस चक्रवत गति में वो पत्थर घूमता है उस चक्र को स्पर्श करने वाली परिधि की ओर ये फेंक दिया जाता है। अब ये सब अपकेंद्री बल अथवा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। केपलर ने अपने पहले नियम में कहा है कि सौर मंडल के ग्रह लंबोत्तर मार्ग से सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। फिर ऐसा सवाल खड़ा होता है कि ये ग्रह बाहर क्यों नहीं जाते? जैसे जब तक हमने गिलास का पानी बंदिस्त रखा है तब तक वो गिलास के बाहर बिल्कुल गिर नहीं सकता, अथवा पत्थर बांधे हुए धागे को हमने हाथ से जोर लगाया है इसलिए वो पत्थर हाथ से छूटकर नहीं जाता। वैसे ही ये ग्रह किस कारण सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? इसलिए ऐसा कहना पड़ेगा कि कोई तो ऐसा बल है जो अपकेंद्री बल के विरुद्ध काम करता है, इसे केंद्राभिमुख शक्ति या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। केपलर की यह ध्यान में नहीं आया था। केपलर ने जो तीन नियम बताए उन नियमों में इस बल की पहचान नहीं कराई थी, परंतु केपलर के बाद न्यूटन ने जब इसका अध्ययन किया तो उसके ध्यान में आया कि ऐसा भी बल होता है कि जो केपलर के ध्यान में नहीं आया था। कक्षा नौवीं में आपने इस बल की थोड़ी सी पहचान की है। ये बल गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा, ये अंदाजा न्यूटन को आया था। इसी गुरुत्वीय बल के कारण जो केंद्राभिमुख शक्ति बनती है उसी के कारण सारे ग्रह सूर्य की चारों ओर विभिन्न भ्रमण कक्षाओं में घूमते रहते हैं।